तो आज हम लोग जानेंगे ओरिंग के बारे में। ओरिंग बेसिकली यूज़ होता है जब भी आप दोनों सॉकेट को ज्वाइन करते हैं, तो इस ज्वाइंट को एयर टाइट करने के लिए हम लोग ओरिंग के यूज़ करते हैं। तो पहले तो क्या होता है, आप अगर ओरिंग का क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो वो एकदम पूरा सर्कल के जैसा होता है। ये देखिए, इसका जो क्रॉस सेक्शन है, इधर से आप देख सकते हैं कि ये पूरा सर्कल के जैसा है। लेकिन क्या होता है, कुछ दिन यूज़ के बाद क्या होता है, इसका जो थिकनेस है वो कम हो जाता है और ये एकदम फ्लैट हो जाता है। देखिए आप, इसका थिकनेस बहुत कम हो गया और एकदम पूरा फ्लैट हो गया है। जो सर्कल का इसका क्रॉस सेक्शन था वो पूरा फ्लैट हो गया। तो इसीलिए क्या होता है, जो जॉइंट होता है उस जॉइंट में गैप बढ़ जाता है, और उस गैप को बढ़ जाने से क्या होता है, उधर से लीकेज होता है। तो इसीलिए हम लोग जब भी कोई सॉकेट के अंदर से लीकेज होगा तो आपको पहले ओरिंग चेक करना होगा। अब देखिए ओरिंग का थिकनेस कैसा है, अगर ओरिंग का थिकनेस बहुत कम हो गया तो आपको वो ओरिंग चेंज करके नया ओरिंग डालना पड़ेगा। ये देखिए, ये हम लोग का नया ओरिंग है, हम लोग इस ओरिंग को चेंज करके ये ओरिंग डालेंगे। और कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से ओरिंग कट भी जाता है। क्या होता है, ओरिंग इधर से ब्रेक हो जाता है, तो उस टाइम भी आप लोगों को लीकेज हो सकता है, तो उसी टाइम भी आपको नया ओरिंग डालना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।